लेट अस स्टार्ट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. एग्जांपल है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax cos हाइपरबोलिक bx. ठीक है, देन प्रूव दैट. आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है y2 माइनस 2ay1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू y इक्वल टू 0. y is equal to e raised to power ax into cos hyperbolic bx, y to minus 2ay1 plus a square minus b square into y is equal to 0. You have to prove that. So, firstly, differentiate it with respect to x. Differentiate with respect to x on both sides. We will get y1 is equal to, here we apply product rule. So, by using product rule, e raised to power ax, first function as it is, derivative of second means cos hyperbolic bx, okay, plus cos hyperbolic bx as it is and derivative of e raised to power ax. Is it clear? Yes ma'am. Clear hai na beta sabhi ke liye? Okay. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. This is equal to e raised to power ax. What is the डेरिवेटिव ऑफ, यस बेटा कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछ रही हूँ वही बोलेगा. ठीक है, यस अमनप्रीत, रोल नंबर 22, नॉर्मेटिकल. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोस हाइपरबोलिक बी एक्स? मैम साइन हाइपरबोलिक बी एक्स. अकेला साइन हाइपरबोलिक बी एक्स आएगा या और कुछ भी आएगा? कंप्लीट डेरिवेटिव बताओ मुझे इसका. Derivative of cos hyperbolic bx, बोलिए जल्दी. ये लिख दिया मैंने sin hyperbolic bx. अब मैं आगे चलूँ यहाँ पर या कुछ और भी आएगा साथ में? b b. अमनप्रीत को नहीं पता? मैम बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा. बोर्ड बेटा अभी मैंने पूछा तब आप बोल रहे थे कि सभी को विजिबल है. मैम अब है ठीक. बेटा अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूले नहीं पता तो आप ये काम नहीं कर पाओगे. तो अगर नहीं भी पता साइन, पहले कोस हाइपरबोलिक का किया आपने साइन हाइपरबोलिक, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बी एक्स भी तो आएगा ना, एंड डेरिवेटिव ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू बी, फिर प्लस अभी कोस हाइपरबोलिक बी एक्स एज इट इज. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स? E raised to power ax into a. ax into a. Into a. Is it clear to all? बेटा अगर फॉर्मूले नहीं पता तो आपको मेहनत की जरूरत है. अगर फॉर्मूले नहीं पता तो आप लर्न कीजिए, अगर फॉर्मूले याद कर लीजिए फिर उसके बाद ये काम करना शुरू कीजिए. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू टेकिंग कॉमन e raised to power ax. यू हैव b sin hyperbolic bx plus a cos hyperbolic bx. क्लियर? ठीक है. यस मैम. नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स ठीक है. अगेन आप देखो एक काम भी कर सकते हो. एग्जांपल जो आपका सोल्ड एग्जांपल है उसमें वो काम नहीं किया हुआ, बट मैं आपको एक और शॉर्टकट बताती हूँ. क्या शॉर्टकट है आप रख कीजिए. दिस इज इक्वल टू बी ई रेज टू पावर ए एक्स साइन हाइपरबोलिक बी एक्स. ओके, फर्स्ट टर्म ये है. अब जो आपके पास ये सेकेंड टर्म है वहां पर मैंने इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी? वाई. तो ये ए वाई बन गया. यस यस मैम. ये सबको क्लियर है? मैंने आपको कल जो एग्जांपल करवाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था ना कि हमने y1 को सॉल्व करते करते y की टर्म्स में लेके आना है, जितना हम मैक्सिमम बना सकते हैं उसको y की टर्म्स में. तो यहाँ पर क्योंकि y पुट हो रहा था तो मैंने इसको y पुट कर दिया. अब मैं क्या करूंगी? डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, क्योंकि मुझे सेकेंड डेरिवेटिव तक पहुंचना है. जो चीज प्रूव करनी है उसके अंदर y2 है, इसलिए मैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करूंगी
differentiating with respect to x again. ठीक है, now you get y1 का derivative with respect to x क्या हो जाएगा, y2. यहाँ पर b constant है, इन दोनों में आप क्या apply करोगे, product rule. जब product rule apply करोगे तो e की ax as it is derivative of sin hyperbolic bx. ठीक है, और फिर plus sin hyperbolic bx as it is into derivative of e raised to power ax. Clear? Plus what is the derivative of ay with respect to x? ay1. बेटा अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा किसी को भी तो शर्माने की जरूरत नहीं है, तभी एट ए टाइम मेरे से पूछ लिया करो उसी टाइम पर. ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा b e की पावर ए एक्स. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक बी एक्स? b cos हाइपरबोलिक बी एक्स इनटू b इनटू b. ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा a e की ए एक्स साइन हाइपरबोलिक बी एक्स प्लस ए वाई वन. ओके, क्लियर है? यस मैम. यस मैम. देखो e की ए एक्स कोस हाइपरबोलिक बी एक्स फिर से क्या बन रहा है, y. y. तो ये बन जाएगा b by प्लस a e की ए एक्स साइन हाइपरबोलिक बी एक्स प्लस ए वाई वन, और यहाँ पर है आपके पास y. क्लियर है सभी को? अब देखो जो चीज आपने प्रूव करनी है ये प्रूव करना है आपने. ठीक है, उसमें से अब आपको ये भी रिमूव करना पड़ेगा, साइन हाइपरबोलिक बी एक्स भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव. तो हम क्या करें, अब साइन हाइपरबोलिक बी एक्स को कैसे रिमूव करोगे, इसकी वैल्यू आपको यहाँ से पुट करनी पड़ेगी. यहाँ से देखिए ई की पावर ए एक्स साइन हाइपरबोलिक बी एक्स इसकी वैल्यू यहां से निकालिए, y1 माइनस ए वाई अपॉन बी मिल रही है. Yes, ठीक है, y1 माइनस ए वाई अपॉन बी और यहां पर पुट कर दीजिए तो ये आपके पास बनेगा बी स्केयर वाई प्लस, या फिर आप ऐसे करो पहले मल्टीप्लाई खोल लो बी की, बी स्केयर वाई प्लस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन हाइपरबोलिक बी एक्स प्लस ए वाई वन, और यहाँ पर है आपके पास वाई. अब यहाँ पर इस पूरे की ही वैल्यू पुट कर दो, ये रहा बी ई की पावर ए एक्स साइन हाइपरबोलिक बी एक्स, इसकी भी पुट कर दो साथ में, इसको भी ले लो, वो आ जाएगी वाई वन माइनस ए वाई. तो अब मैं नीचे वाई वन माइनस ए वाई वैल्यू पुट कर रही हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा वाई वन माइनस ए वाई. ठीक है, और यहाँ है ए वाई वन और यहाँ पर है बी स्केयर वाई और यहाँ पर है आपके पास वाई. अब देखो y2 is equal to b square y plus ay1 minus a square y plus ay1. ठीक है, तो ये बन गया b square minus a square into y plus 2ay1 और यहाँ पर y, यही आपने प्रूव करना था. देखो यही प्रूव करना था आपने. yes, ma'am. ठीक है. yes, ma'am. अब जो बुक में क्वेश्चन किया हुआ है वो ऐसे नहीं किया हुआ, वो ये मैंने शॉर्टकट थोड़ा सा आपको बताया है बुक में इन्होंने. लास्ट सब्जेक्ट ये लो, यस 14th क्वेश्चन पार्ट नंबर वन. एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वी हैव x is equal to 80 square and y is equal to 280 and you have to calculate d square y upon dx square. Firstly, you have to calculate dx by dt. What is the value of dx by dt? 280. Yes, a is constant, derivative of t square is 2t. So, it is equal to 280. Now, what is the value of dy by dt? dy by 2a. dt is 2a. Again, now dividing these two for dy by dx.
dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. What is the value of dy by dt? 2a. What is the value of dx by dt? 2at. It is equal to 1 upon d. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Now, differentiate with respect to x on both sides, because you have required d square y by dx square. So, when you take the derivative with respect to x, then it becomes d square y by dx square. In right hand side, 1 by t, derivative of 1 by t with respect to x. Bataiye, what is the derivative of 1 by t? Yes, minus 1 by t square. Minus t. ये मिस्टेक होती है, डी टी बाई डी एक्स आप लोग लगाना भूल जाते हो. लगाया था ये? यस मैम. हाँ बस फिर तो दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी टी बाई डी एक्स? डी टी बाई डी एक्स इज वन अपॉन टू ए टी. तो दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू ए टी क्यूब. ठीक है, व्हाट इज द आंसर? हम यही आंसर. हाँ जी बोलिए बेटा, बोलिए मैम. एट. हाँ जी मेरा हो गया था. मैं कौन सा क्वेश्चन बोल रही हूँ मैम? एट. एट क्वेश्चन. एट क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं हमारा हो गया. एट तो बिल्कुल बेटा सेम है, वही एग्जांपल जो मैंने कल करवाया था. कल प्रेजेंट थे आप क्लास में? यस मैम. तो सेम क्वेश्चन है एट तो, बिल्कुल सेम एग्जांपल जो कल मैंने करवाया था आपको. पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर स्केयरिंग करनी है, और फिर आपका डिफरेंशिएट करना है. और बोलो. और कोई क्वेश्चन है? बाकी तो सिंपल से है, जिसमें डेरिवेटिव निकालना है. अब ध्यान से देखना, एक आपके पास एग्जांपल है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में. x इज इक्वल टू a cos थीटा, एग्जांपल नंबर 12, a cos थीटा प्लस b sin थीटा. And y is equal to a sin theta minus b cos theta. Prove that y square into y2 minus x y1 equal to plus y equal to 0. Example number 12. X is equal to a cos theta plus b sin theta. Y is equal to a sin theta minus b cos theta. Prove that y square into y2 minus x y1 plus y equal to 0. Clear? तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो, dx by d theta यहाँ से निकालोगे, dy by d theta यहाँ से निकालोगे, फिर दोनों को डिवाइड करके dy by dx निकालोगे, तो ये क्वेश्चन आपका लंबा हो जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा उससे भी. ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा आपका क्वेश्चन लेंथी चला जाएगा, उससे लंबा हो जाएगा. अब शॉर्टकट क्या है इस क्वेश्चन को करने का? जब ऐसी इक्वेशन आपको गिवन, तो आपने क्या करना है, स्केयरिंग कर लेना है. मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन. पहले मैं कर रही हूँ स्केयरिंग फर्स्ट इक्वेशन को, और उसके बाद मैं सेकंड को करूंगी. जब आप फर्स्ट इक्वेशन को स्केयरिंग करोगे तो आपके पास आएगा ये. ठीक है, इसको खोलिए. ए स्केयर को स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस 2ab cos theta sin theta. Clear है? Yes ma'am. ठीक है? Yes ma'am. Scaling करने के बाद first equation को scaling करके आपका ये आ गया. अब second equation को कीजिए. जब आप second equation को scaling करोगे, a square sin square theta, b square cos square theta, minus 2ab sin theta into cos theta. ठीक है? You will get this after scaling second equation. Now adding these two, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को add कर देना है. Adding these two, what you will get? X square plus y square here. When you add these three and these three, these are cancel out. Clear?
Yes, ma'am. A square cos square theta plus A square sin square theta. Only A square. B square sin square theta plus B square cos square theta is equal to B square. Plus B square. तो आपके पास देखिए सिर्फ ये इक्वेशन रह गई है x square plus y square is equal to A square plus B square. अब आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया है. आपने थीटा रिमूव कर दिए हैं. अब आपको ये प्रूव करना बड़ा ही इजी हो जाएगा. अब आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट कीजिए. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x. y स्क्वायर का 2y into y और a स्क्वायर और b स्क्वायर का क्या हो गया, 0. तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, y1 की वैल्यू निकाल लीजिए, या y1 की निकाल लीजिए या फिर इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है. या 2 भी कैंसिल हो रहे हैं, या तो यहाँ से y1 निकाल लीजिए. y1 आ जाएगा आपके पास माइनस x अपॉन y. ठीक है, अब आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x. जब आप दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ आ गया y2. इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, बोलिए. यस मैम. क्वेश्चन रूल में v का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u. x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1, माइनस u यानी कि x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव y1. क्लियर है इतना? यस मैम. यस मैम. ठीक है, यस मैम. अब देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा y2 into y square. ये आपके पास आ गया y2 into y square minus y plus x y1. यही तो आपने प्रूव करना था. यस मैम. आ गया, बोलिए. है ना शॉर्टकट? यस मैम. तो आपके पास ऐसे कई एक्सरसाइज में भी होंगे बेटा क्वेश्चंस, जिसमें आपको ऐसे शॉर्टकट से करोगे तो इजी हो जाएगा. जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, फोर्थ क्वेश्चन के आपका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ये वाले क्वेश्चंस हैं आपके बनेंगे इसके बिहाफ पर. और भी हो सकते हैं कोई बीच में से बनता हो, अभी तो मुझे फिलहाल यही दिखाई दे रहे हैं दोनों. ठीक है? यस मैम. अब आपके ऑलमोस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा. अब जो मेन मेन जो टिपिकल से क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं. अब बाकी जो रह गए हैं, अब तो आपने डाउट पूछने हैं. मेरे को लगता है आप सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे. आपने सिर्फ ये वाले 17th से छोड़ने हैं, मतलब 16th तक आपने ट्राई करने हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन. अभी अब 17th के बेस 17th वाले क्वेश्चंस आपके अनदर एग्जांपल्स के ऊपर बेस्ड हैं जो अभी हमने करवाने हैं. उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव. फोन आ जाएगा. हां जी, ये रब कर दूं क्वेश्चन है ये जो है बोर्ड पर. यस मैम. देखिए बेटा, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. अगर आपको फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालने आएंगे तो आप nth तक नहीं पहुंच पाओगे. ये चीज हमेशा ध्यान रखना. जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा, ये थोड़ी सी टिपिकल है एक्सरसाइज, आपको बड़े ध्यान से समझनी होगी ये वाली एक्सरसाइज और मिस नहीं करनी.
एक भी दिन मिस करोगे तो फिर आपका एक क्वेश्चन फटाफट से समझ लो. आपके पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर n. आपने इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है. इस फंक्शन का आपको nth डेरिवेटिव निकालना है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं y1. बताइए y1 की वैल्यू क्या होगी. पहले पावर का करोगे m a x plus b raise to power m minus 1 into derivative of a x plus b which is equal to a. Clear है इतना? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. Okay. अब आप इसका निकालिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2. y2 निकालोगे, a और n तो कांस्टेंट है. फिर आप इस फंक्शन का करोगे तो आपके पास आएगा m minus 1 ax plus b raised to power m minus 2 into ax plus b का a. बोलिए क्लियर है इतना? यस मैम. यस मैम. तो ये आ गया yes, a, a, a की पावर 2 yes, a into a, a की पावर 2 m m minus 1 ax plus b raised to power m minus 2. ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, ये आपके पास आया सेकंड डेरिवेटिव. अब मैं थर्ड निकालने जा रही हूँ y3. y3 जब आप निकालोगे तो ये पूरा कांस्टेंट है, इसको मैं एज इट इज रख रही हूँ. a स्क्वायर m m minus 1. इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको करना है तो यहाँ पर आ जाएगा पहले पावर का m minus 2 ax plus b की पावर m minus 3 into a को मैं a क्यूब कर देती हूँ. इज इट क्लियर? बोलो इतना समझ आ रहा है सबको? यस मैम. यस मैम. अब ध्यान से देखो. यस मैम. अब ध्यान से देखो, मैं अब कोई डेरिवेटिव आगे नहीं निकालूंगी, मैं इसको जनरलाइज करूंगी. जनरलाइज कैसे? सिमेट्री बनानी है. जब आपने y1 निकाला तो a की पावर कितनी आई? 1. जब आप y2 निकाल रहे हो तो a की पावर 2 आ रही है. y3 निकाल रहे हो तो a की पावर 3 आ रही है. यानी कि जब आप yn करोगे तो a की पावर n आएगी. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Y1 के अंदर सिर्फ m आया, y2 के अंदर m और m minus 1 दो फैक्टर आए, डिक्रीज होते हुए दो फैक्टर, y3 के अंदर तीन बार डिक्री m तीन फैक्टर आए, m m minus 1 m minus 2. यानी कि अगर यहाँ आपका 3 है तो आपका 2 पे जाके स्टॉप हो जाता है ये. अगर यहाँ yes, 2 है yes, तो ये 1 पे जाके स्टॉप हो जाता है. तो n में m m minus 1 m minus 2 m minus 1 m minus 3 ये देखिए यहाँ तक जाएगा. यस यस. इतना क्लियर हो गया सबको? यस मैम. दो चीजें पूरी होगी. अब इस पे आते हैं. जब y1 था तो ax plus b की पावर कितनी थी? m minus 1 m minus 1 थी. जब y2 था तो ax plus b की कितनी पावर थी? m minus 2. m minus 2. जब y3 था तो ax plus b की पावर m minus 3. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए m minus m minus m minus तो सब में है. y1 है तो 1 है, यहाँ पर m minus 1 है. जब 2 है तो m minus 2 है. जब 3 है तो m minus 3 है. जब n होगा तो ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस एन होगी. यस मैम. यस मैम. यस मैम. ये आपके पास nth डेरिवेटिव आ गया. ये क्या हो गया? nth डेरिवेटिव. बोलो क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. तो ये क्वेश्चंस आपके, ये तो बड़ा इजी सा मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है. अब इसके बेस पे आपको जो करना है काम वो मैं दे रही हूँ. इस क्वेश्चन के बेस इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए मेरे से. उसके बाद आपने एक तो ये वाला क्वेश्चन करना है, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है. देखिए ये सेम है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, इसको कंपेयर करो ऊपर वाले क्वेश्चन से. इसको ऐसे लिख लो,
ऊपर वाले क्वेश्चन से कंपेयर करो, ए कितना आ गया आपके पास माइनस टू, बी कितना है वन, और एम कितना है वन बाई टू. बात समझ आ रही है? यस मैम. ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक मेथड तो क्या है इस क्वेश्चन, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है उसको करने का एक मेथड क्या है, ऊपर वाला कर दो सारा और बाद में ये वाली वैल्यू पुट कर दो. बात समझ आ रही है? यस मैम. या फिर ऊपर वाला मत करो, सीधा इसी को आप लेकर चलो y इज इक्वल टू दिस, और इसी को ही y1 y2 y3 ऐसे ही निकालते रहो जैसे ऊपर वाला किया है. ठीक है, एक आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, एक आपने ये वाला करना है. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है ये आपके. ठीक है, एक आपने ये वाला करना है. इसको आप कैसे लिखोगे, 1 माइनस 2x रेज टू पावर माइनस 1. ठीक है, ये बेटा स्केयर रूट लेके मत करना, 1 बाई 2 पावर लेके करना. ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है आपके. कर लोगे? ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम. चलिए अटेंडेंस. यस मैम. अटेंडेंस मुझे भेजनी है. ठीक है, अटेंडेंस बेटा आपने मुझे भेज देनी है. और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए. मीटिंग खत्म.